हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का HD गेमिंग चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह एंगल वर्जन 1.0 का अपडेट आ चुका है, और हालांकि इसका पूरा लोडआउट लॉबी भी चेंज कर चुका है इस नए अपडेट में। और जिसने बहुत लोगों ने इसको अपडेट कर चुका, पर जिसने इसने नहीं किया है वो इस नए अपडेट के थ्रू जान सकते हैं कि कैसे इसको अपडेट किया जा सकता है। सो गाइस, करना क्या कि आप सिर्फ हमें फॉलो कीजिए, मैं आपको बताते जाऊँगा कि कैसे इसको अपडेट करना है। तो चलिए गाइस, सो गाइज, आप लोगों को इस तरह का एक वेबसाइट में आना है जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को इस तरह के वेबसाइट में आना जहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको बस नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पे आपको डाउनलोड APK बोलकर ऑप्शन आएगा। वहाँ पर जाके आपको डाउनलोड APK पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डाउनलोडेड है ऑलरेडी एंगल वर्जन 2.0, तो आप लोगों को बस यहाँ पर नॉर्मली डाउनलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मेरा डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी, मेरा पहले से ही अपडेट किया हुआ है, आपको बताया था। आपको बस इसको ओपन करना है क्लिक करके और इंस्टॉल कर देना है। और गाइस, जब देखते हैं जब ये इंस्टॉल हो जाता है तब, सो गाइस जस्ट देख लिया आप लोगों ने कि ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। इसको कुछ नहीं, डन पर क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा PUBG मोबाइल वर्जन 1.0 खुल रहा है, और आप ऊपर में आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग रिसोर्स बोलकर एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि मेरा OBB फाइल यहाँ पे बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है। पर गाइज, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसके लिए आप लोगों को वाईफाई अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको इंटरनेट का सिम स्विच करके डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आपके पास वाईफाई है तो आपको ईजिली बहुत जल्दी डाउनलोड हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको इंटरनेट स्विच करके डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, पर आपको गाइस प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे गाइस, जैसे कि आप लोग, मैं आपको बताया था कि इसका OBB फाइल बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इसका डाउनलोड कैसे हो रहा है, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि इसका डाउनलोड हो रहा है। चलिए गाइस देखते हैं। आप लोगों को गाइस कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को अपने फ़ोन का माई फाइल्स में आना है। माई फाइल्स में आने के बाद आप लोगों को अपने फ़ोन का फ़ोन स्टोरेज में जाना होगा। फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे एक एंड्रॉयड बोलकर एक फाइल्स आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे देखिए एक OBB बोलकर फाइल होगा। OBB फाइल पर क्लिक करने के बाद अब देखिए नीचे com.tencent.ig बोलकर एक नया फाइल आएगा, उस पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फाइल है। एक 1.79 GB का जो कि मेरा पूरा ओरिजिनल पुराना वाला जो PUBG था उसका, और यहाँ पे नीचे एक देख सकते हैं एक और फाइल है जो अभी डाउनलोड हो रहा है फिलहाल, वो 788 MB मेरा डाउनलोड हो चुका है, क्योंकि मैं वाईफाई से कर तो, हालांकि मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी तरह रख देना है, या फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर आप PUBG मोबाइल में डायरेक्ट जाकर वहीं पे भी बैठे रह सकते हैं। आप लोगों को बस थोड़ी ही देर में आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए गाइस वहाँ पे चलते हैं वापस से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड रिसोर्स हो रहा है। अब गाइस देखते हैं कि डाउनलोड होने के बाद आपको पीछे का लॉबी कैसा दिखाता है, जो कि हालांकि नया अपडेट में बहुत ही OP दिखा रहा है देखने में। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि उस टाइम डाउनलोडिंग रिसोर्सेज लिखा हुआ आ रहा था, और अभी मेरा डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं, अब जस्ट नॉर्मली मेरा PUBG खुल रहा है, और ये देखिए गाइस ये खुल रहा है। बस अब यहाँ पर आपको छोटा सा एक इंटरनल अपडेट आएगा जो आपको अपडेट करना है, जैसे कि पुराने वर्जन में भी आता था। और यहाँ पे ये खुल रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू दे रहा है शायद फिलहाल। और गाइस ये रहा आपका VRAM वर्जन 1.0 का अपडेट, जो कि एकदम पूरा धांसू अपडेट आया है इस बार। और आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसा अपडेट है, पूरा लॉबी चेंज हो चुका है, एंड इट्स मतलब क्या बोल दो, OP है पूरा ये अपडेट गाइस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था गाइस कि आप लोग जाइए और इस मेरे मैंने जिस तरह से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया, आप उस तरह से फॉलो कीजिए, और आपका यह PUBG मोबाइल वर्जन 1.0 अपडेट हो जाएगा गाइस। गाइस प्लीज़, आपके इस छोटे भाई के लिए आप लोगों का इतना हेल्प कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू।